दोस्तों सपने में झाड़ू लगाना झाड़ू का देखना झाड़ू लगाते हुए खुद को देखना यानी या झाड़ू या को खरीदना इनका क्या मतलब है सपने में झाड़ू देखना कैसा होता है कैसा आपको ये फल देने वाला है दोस्तों इस वीडियोस के अंदर आपको सारे सपने के बारे में पता चलेगा और इनके शुभ और अशुभ फल के बारे में पता चलेगा और ये फल आपको कैसे ज़्यादा प्राप्त करने और अगर बुरा सपना है तो उसे कम कैसे करना है ये भी इस वीडियोस के अंदर हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियोस को पूरा अंत तक जरूर देखिए सबसे पहले दोस्तों झाड़ू हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है माँ लक्ष्मी का प्रतीक दीपावली हो तो हम झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं और दोस्तों इससे माता लक्ष्मी का आने का प्रतीक मानते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं सपने में झाड़ू को अगर आप लगाते हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सपना आपके लिए शुभ फल देने वाला है यहाँ पर दोस्तों आपकी जो किस्मत है वो अच्छा फल देने वाली है आने वाले समय में आपको धन से रिलेटेड कहीं ना से कहीं फ़ायदा होने वाला है और दोस्तों अगर आप झाड़ू को खरीद रहे हैं तो ये भी एक शुभ सपना में आता है और ये सपना आपको बताता है कि आप अपने मेहनत से अच्छा पैसा जनरेट करेंगे आने वाले समय में और उस काम को आप अच्छे से करते रहिए झाड़ू लगाना शुभ है दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं कि जैसे कि झाड़ू को आप दरवाजे के पीछे पड़ा देख रहे थे ये अशुभ सपना माना गया है तो ऐसे सपने अगर आते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों आपको करना है ये सपना आपको अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों से बताना चाहिए जो बुरा सपना है जिसका फल बुरा रहा है और जो अच्छा सपना है वो आपको बताना नहीं चाहिए अब दोस्तों आपको अपने सपने के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का सपना आया है हो सके तो हम आपको रिप्लाई भी बताएंगे दोस्तों वीडियो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और आपको अल, अलग अलग स्थिति में सपने आ सकते हैं झाड़ू से रिलेटेड उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय